हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वुमेन्स एजुकेशन का तीसरा पार्ट का अध्ययन करते हैं। इसके पहले दो पार्ट बना चुके हैं, अगर नहीं देखें तो आप उसको भी देख लीजिए ताकि पूरी तरह समझ में आ जाए। तो इस पार्ट में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इसके लेखक, वो शिक्षा के बारे में बताते हैं, औरतों की शिक्षा के बारे में बताते हैं। जैसे स्त्रियों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, पहले कैसी थी, फिर बहुत ज़्यादा शिक्षित स्त्रियाँ थी, फिर बीच में उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया मध्यकालीन युग में, फिर स्वतंत्रता के बाद पुनः वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं, ये सभी बातें बता रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला लाइन है आज के लिए, व्हेन यू टॉक, यहाँ से पढ़ना है। इसके पहले ग्रेट नेशन तक हम पढ़ा चुके हैं। चलिए देखते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, कह रहे हैं कि जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू। व्यू माने विचार, तो आपके विचार में सेवरल माने होता है मेनी, एम्स मीन्स पर्पज, तो आपके विचार में कई उद्देश्य होते हैं। जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपके विचार में कई उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपुल, लोगों को दो, दोज मिशन, उन लोगों को दो, हु आर टाट, जिन्हें पढ़ाया जाता है। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों को पढ़ाया जाता है उन्हें दो, क्या दो, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान दो, इन विच जिसमें दे लिव, वे रहते हैं, जिसमें वे रहते हैं। साइंस, कह रहे हैं विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास एंड जियोग्राफी और भूगोल, कह रहे हैं विज्ञान, इतिहास और भूगोल। इनेबल माने योग्य बनाना, मेकेबल, योग्य बनाता है यू आपको टू गेट माने प्राप्त करने के लिए दैट नॉलेज, उस ज्ञान को। कह रहे हैं विज्ञान, इतिहास और भूगोल उस ज्ञान को प्राप्त करने में योग्य बनाता है। ठीक है, विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनाता है। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपुल, आप लोगों को, ट्रेन माने होता है प्रशिक्षित करना, पीपुल लोगों को, आप लोगों को प्रशिक्षित करो टू एक्वायर, ग्रेट, प्राप्त करने के लिए सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी दक्षता, आप लोगों को कुछ तकनीकी दक्षता प्राप्त करने के लिए भी प्रशिक्षित करो। बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा वे जीविका कमा सकें। लिवलीहुड माने होता है जीविका, ब्रेड एंड बटर, इसके लिए शानदार मुहावरा है, जीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, ये अभी भी स्वीकार किए जाते हैं द वर्ल्ड ओवर माने संसार भर में, एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में। ऑब्जेक्ट्स माने होता है एम्स, उद्देश्य, ये अभी भी संसार भर में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिसमें आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी दक्षता, बाय विच, जिसके द्वारा यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, आप जीविका कमा सकते हो। कह रहे हैं कि उस संसार का भी ज्ञान दो जिसमें आप रहते हो, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी दक्षता भी प्रदान करो, स्किल मीन्स दक्षता, एक्सपर्टाइज, बाय विच यू कैन अर्न लिवलीहुड, जिसके द्वारा आप जीविका कमा सको, जीविका मतलब वही रोजी रोटी कमा सको। बट वाट इज देयर स्पेसिफिक, लेकिन क्या विशेष है, स्पेसिफिक माने स्पेशल, विशेष है, अबाउट माने बारे में, तो द काइंड ऑफ, आगे आप पेज में आपको मिलेगा एजुकेशन, द काइंड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बट व्हाट इज द स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा के बारे में क्या विशेष है। अब चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। इम्पार्टेड इन आवर, इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश की संस्थाओं में दी जाती है। इसके पहले पेज पे आप पढ़ चुके हैं, बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन तक पढ़े हैं कि इसका अर्थ था कि, लेकिन इस प्रकार कि शिक्षा के बारे में क्या विशेष बात है। इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश की संस्थाओं में दी जाती हैं, इम्पार्टेड मीन्स गिवन, दी जाती हैं इंस्टीट्यूशन माने संस्थाओं में, शिक्षण संस्थान, जो हमारे देश की संस्थाओं में दी जाती हैं, क्या विशेष बात है। तो अब आगे कुछ विशेष बात ही बताया गया है कि इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, एक्सप्लेन में भी आती हैं, वी हैव हर्ड द, यहाँ से आती हैं, ठीक है, एजुकेशन तक। तो चलिए देख लेते हैं, वी हैव हर्ड, हमने सुना है। अब यहाँ शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बताने लिखा जा रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए वो बताया जा रहा है, बताना रहा है। वी हैव हर्ड, लेखक कह रहा है कि हमने सुना है, द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, चीफ, चीफ पर्पज मतलब मेन एम, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट मियरली गिव, मियरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, इज नॉट, नहीं, ना है मियरली मिस ओनली, केवल एक्वायरिंग मिस गेटिंग, प्राप्त करना ऑफ स्किल माने दक्षता और इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। लेखक कह रहा है कि हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल दक्षता या सूचना प्राप्त करना है, बट माने बल्कि, द इनिशिएशन इन टू ए हायर लाइफ, बल्कि इनिशिएशन माने होता है प्रवेश कराना, एडमिटेंस इन टू ए हायर लाइफ माने उच्चतर जीवन में, बल्कि उच्चतर जीवन में प्रवेश कराना है।
इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश कराना है विच ट्रांसेंड्स, जो कि ट्रांसेंड्स मानो होता है परे होता है, बियॉन्ड्स होता है, श्रेष्ठतर होता है। द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड माने संसार से, ऑफ स्पेस, स्पेस माने होता आंतरिक्ष, टाइम माने होता समय, जो अंतरिक्ष और समय के संसार से परे होता है, जो अंतरिक्ष और संसार के समय से क्या होता है, परे होता है, सॉरी अंतरिक्ष और समय के संसार से परे होता है। अब यहाँ आपको यह भी ध्यान देना कि देखिए यस बड़े से है, टी बड़े से है, मतलब ये कुछ खास वर्ड है। अंतरिक्ष का मतलब यहाँ पारलौकिक संसार, अंतरिक्ष माने ऊपर तो पारलौकिक संसार, और टाइम मतलब समय, मतलब जो हमारा समय चल रहा है, जिस समय में हम जी रहे हैं, मतलब भौतिक संसार, अपने संसार में हमारे समय मतलब भौतिक संसार, भौतिक संसार मतलब जिस संसार में हम रहते हैं उसको समय नाम दे दिया गया है भौतिक संसार को, और अंतरिक्ष नाम दे दिया गया है पारलौकिक संसार को। तो इसका मतलब हिडन अर्थ ये है। तो कह रहे हैं कि विच ट्रांसेंड्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो अंतरिक्ष और समय के संसार से परे होता है। दो माने यद्यप, द लेटर, लेटर मीन्स बाद वाला, बाद वाला का मतलब वही समय, यहाँ दो शब्द बताए गए हैं, समय, समय का मतलब वही भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं। इन्फॉर्म्स माने सूचना देता है, एंड एनिमेट्स, एनिमेट्स माने होता प्रेरित करता है, इंस्पायर्स। द फार्मर, फार्मर माने पहले वाले के लिए, कहना कि यद्यपि बाद वाला पहले वाले के बारे में सूचना देता है और प्रेरित करता है, अर्थात जो है ये समय यानी कि भौतिक संसार, भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं वह जो है पहले वाला, अर्थात अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मीन्स पारलौकिक संसार, अर्थात इसका कहने मतलब ये है भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं यह हमें पारलौकिक संसार के बारे में सूचना देता है और प्रेरित भी करता है। आदमी सोचता है कुछ अच्छे कर्म करे ताकि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, क्लियर, वही ईश्वर के श्री चरणों में हमको स्थान मिले, क्लियर। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कह रहे हैं कि कुछ शताब्दियों तक वी निग्लेक्टेड आवर वोमेन फोल्क, हमने अपने स्त्री समाज पर ध्यान नहीं दिया। निग्लेक्टेड माने उपेक्षा करना, डिड नॉट केयर, ध्यान नहीं दिया। वोमेन फोल्क माने वुमेन सोसाइटी, स्त्री समाज या स्त्री लोग, फोल्क मीन्स लोग या जनता। तो वी डिड निग्लेक्ट आवर वुमेन, हम अपने स्त्री लोगों पर ध्यान नहीं दिए, स्त्री समाज पर ध्यान नहीं दिए। और ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, ट्रेडिशन मीन्स कस्टम, परंपरा, हाउ एवर माने फिर भी हमारी परंपरा हैज़ बीन, रही है, सम वाट माने कुछ कुछ डिफरेंट माने लगे, फिर भी हमारी परंपरा कुछ ना कुछ अलग ही रही है। अब चलिए देख लेते हैं संस्कृत का एक श्लोक है, लेखक लिखे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। पूरा कल्पेशु नारी नाम, तो पूरा कल्पेश माने होगा इन एंशियंट टाइम्स, नारी नाम माने नारियों के लिए, फॉर वुमेन, प्राचीन काल में नारियों के लिए। मंदिरा वंदना, मंदिरा मतलब मंदिरों में, वंदना माने पूजा पाठ करना। निश्चिता, निश्चिता माने होता है स्वीकृति था, वाज अप्रूव्ड, निश्चिता माने वाज अप्रूव्ड। तो प्राचीन काल में मंदिरों में पूजा पाठ करने की स्वीकृति थी, किसको स्वीकृति थी, औरतों को पूजा पाठ करने की स्वीकृति थी। और क्या स्वीकृति थी, अध्ययन और अध्याप नान का, अध्याप नान का माने स्टडी ऑफ वेदस, वेदा नाम माने वेदों, अध्याप नान का वेदा नाम माने स्टडी ऑफ द वेदस, वेदों का अध्ययन करने की स्वीकृति थी। और क्या था, गायत्री वे का नाम तथा, ठीक है, गायत्री वे का नाम मतलब गायत्री वच नाम, गायत्री मंत्र का जाप करना, ठीक है, गायत्री वे का नाम माने होता है चैंटिंग ऑफ गायत्री जाप, गायत्री जाप के मंत्रों का मंत्रों का उच्चारण करना। तथा माने एंड, जान ही रहे हो, और गायत्री मंत्र का जाप करने की भी क्या थी, इनको स्वीकृति थी। तो चलिए फिर से इसको देख लेते हैं श्लोक एक बार। पूरा कल्पेश नारी नाम, प्राचीन काल में नारियों के लिए। मंदिरा वंदना, मंदिरों में पूजा पाठ करने की। अभिनिश्चिता का अर्थ छोड़ दो क्योंकि वो वर्ब है, उसको अर्थ लास्ट में ले जाएगा तब आपको सेट हो जाएगा। पूरा कल्पेश नारी नाम, प्राचीन काल में नारियों के लिए। मंदिरा वंदना, मंदिरों में पूजा पाठ करने की। अध्याप नान का वेदा नाम, और वेदों का अध्ययन करने की। गायत्री वे का नाम तथा, और गायत्री मंत्र के जाप करने की। अभिनिश्चिता का अर्थ लीजिए, स्वीकृति थी। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, और वोमेन माने हमारी औरतों का, हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार होता है, एक जनेऊ धारण संस्कार होता है, जो यज्ञोपवीत संस्कार भी उसको कहते हैं, जिसको धारण करने के बाद ही यज्ञ और धार्मिक कार्य जैसे यज्ञ जैसे कराया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि प्राचीन काल में हमारी औरतों का उपनयन संस्कार परफॉर्म फॉर देम, पूरा किया जाता है, परफॉर्म इज डन, पूरा करना।
तो प्राचीन काल में कह रहे हैं कि हमारी औरतों का जो है उनके पूजा पाठ करने के लिए जो है उपनयन संस्कार का कार्य पूरा किया जाता था। देवेर इंटाइटल, इंटाइटल मतलब अधिकार में होना, क्लियर। देवेर इंटाइटल मतलब दे हैड राइट, वे अधिकार रखती थी टू स्टडी ऑफ वेदस, वेदों का अध्ययन करने का, उन्हें वेदों का अध्ययन करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। देवेर ऑल्सो इंटाइटल, उन्हें यह भी अधिकार था, ठीक है। देवेर ऑल्सो इंटाइटल, दे हैड ऑल्सो राइट टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप। चैंटिंग माने होता है रिसाइटिंग, उच्चारण करना मंत्रों का। गायत्री जाप, गायत्री जाप, चैंटिंग ऑफ गायत्री जाप माने चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, गायत्री जाप के मंत्रों का उच्चारण करने की भी उनको स्वीकृति थी। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन, ये सभी चीज़ें वर ओपन, ओपन माने खुले, खुली थी टू आवर वोमेन, हमारी औरतों की। ये सभी चीज़ें जो है हमारी औरतों के लिए खुले रूप में थी, मीन्स इन सभी चीज़ों की हमारी औरतों को स्वीकृति थी। वर ओपन मीन्स वर अप्रूव्ड, क्लियर। इन सभी चीज़ों की हमारी औरतों को स्वीकृति थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता गिरफ्तार में आ गई। अरेस्टेड माने गिरफ्तार होना, गिरफ्तार में आ गई मीन्स चेकड, रोक दी गई, इस पर रोक लगे। अरेस्टेड माने यहाँ चेकड होगा, लेकिन हमारी सभ्यता पर रोक लग गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस, मेन साइंस मान होगा मेन रीजन्स, मेन कॉजेज, और मुख्य कारणों में से एक कारण है ऑफ दैट डी के, डी के मिस फाल पतन, और ऑफ और सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता के, और कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता के उस पतन के मुख्य कारणों में से एक कारण इज है द सब्जेक्ट सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। सब्जेक्शन माने होता है डिपेंडेंस, पराधीनता, दूसरे पर डिपेंड होना, और कह रहे हैं कि औरतों की पराधीनता है। तो फिर से इसको लाइन को देख लेते हैं। बट आवर सब सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता पर रोक लग गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डी के ऑफ आवर सिविलाइजेशन, और उस सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों में से एक कारण इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, औरतों की क्या है, पराधीनता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, ये अब यहाँ कंक्लूडिंग लाइन्स है, देखिए। स्वतंत्रता के बाद थ्रू द एग्जर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के एग्जर्शंस माने इफोर्ट्स, प्रयासों, महात्मा गांधी के प्रयासों से ए रिवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड। एक रिवोल्यूशन माने होता क्रांति, कंप्लीट चेंज, ठीक है। करें कि एक क्रांति हैज़ बीन इफेक्टेड, इफेक्टेड माने होता है प्रभाव डालना भी होता है और लाना होता है, ब्राट अबाउट होगा यहाँ पर। तो रिवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड माने एक क्रांति लाई गई है इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एक हमारे देश में एक क्रांति लाई गई है, क्रांति ने प्रभाव डाला है, ऐसे भी कह सकते हो। एंड वुमेन आर कमिंग इन टू देयर ओन, और औरतें जो है कमिंग आ रहे इन टू देयर ओन, अपने हिसाब से आ रहे हैं, मीन्स कमिंग इन टू देयर ओन मीन्स रिसीविंग देयर राइट्स, अपने अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं, इसका मेन अर्थ ही होगा, कमिंग इन टू देयर ओन मीन्स रिसीविंग देयर राइट्स, और औरतें जो हैं अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर रही हैं। इस तरह से ये पाठ खत्म हुआ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी ऑन रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।